करते रहेंगे, लेकिन जो मुद्दे सामने आए, बिहार का एजेंडा इस बार सामने आ गया, मैं इसके लिए बिहार के नौजवानों को सलाम करता हूँ। इसकी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमज़ोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हुई, और वो सीटें कुछ राजद को, कुछ माले को, कुछ CPI CPM को मिली होती तो शायद फर्क पड़ जाता, लेकिन खैर अब कुछ हो गया तो हो गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन कैसे बहुमत से दूर रह गया, ये सवाल बरकरार है। लेकिन ऐसे में आज महागठबंधन के तमाम नेताओं की बैठक हो रही है 10 सर्कुलर रोड, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर हम खड़े हैं और अंदर बैठक चल रही है। महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद हैं। RJD के जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं, जितने बड़े नेता हैं वो सभी अंदर मौजूद हैं। RJD के सांसद मनोज झा हैं, कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह अंदर मौजूद हैं, CPI CPIML तमाम नेता अंदर मौजूद हैं। ऐसे में माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि कांग्रेस को जो सीटें अधिक दी गई, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब रहा, कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, यही वजह है कि तेजस्वी यादव बिहार के CM नहीं बन पाए। क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, जरा सुनिए। ठीक आप लोग कह रहे हैं कि जो स्ट्राइक रेट हमारा रहा वो टेस्ट मैच वाला रहा, जो 2020 में जो फिनिश करना चाहिए था वो फिनिशिंग नहीं हो पाई, इसको तो हम लोग देखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि बिहार का मूड बहुत साफ दिखा, बिहार बिल्कुल इस सरकार से निजात पाना चाहता था और नहीं हो पाया। खैर उसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन जो मुद्दे सामने आए, जो बिहार का एजेंडा इस बार सामने आ गया, मैं इसके लिए बिहार के नौजवानों को सलाम करता हूँ, बिहार के मजदूरों, किसानों, सबको सलाम करता हूँ। और इसी संघर्ष को हमें जारी रखना है। हमें लगता है कि बिहार ने ये तय कर दिया कि आने वाली जो भी सरकार है उसको किस एजेंडे पर काम करना है, इसी पर ये सरकार कठघरे में रहेगी, जनता हिसाब लेती रहेगी और सरकार को जवाब देगी। क्या तक चूक कहाँ हो गई कांग्रेस से, क्या कांग्रेस से थोड़ी चूक हो गई, क्या लगता है? अब इस पर बाद में और समीक्षा की जाएगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमज़ोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हुई, और हो सकता है कि कांग्रेस की कम सीटों पर लड़ती और वो सीटें कुछ राजद को, कुछ माले को, कुछ CPI CPM को मिली होती तो शायद फर्क पड़ जाता, लेकिन खैर अब कुछ हो गया सो हो गया। राजस्व में कहीं चूक हुई? अभी तो हमने देखा कि मैं अपने से कहाँ चूक ही, मैं कह सकता हूँ हम लोगों को 15 सीट जीतना चाहिए था, वो जो 3 सीट हम लोग जीत नहीं पाए तो बहुत नैरो मार्जिन से हार गए भोरे में, और ये ज़रूर इसके लिए हमें अफसोस है। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छु पाए। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस ने जीत ठान ली थी कि उन्हें 70 सीटें चाहिए, तो ऐसे में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें 70 सीटें दे दी थी, RJD ने उन्हें 70 सीटें दी थी, लेकिन 70 में से सिर्फ 19 सीटों पर जीतना और ऐसे में CPI ML का अच्छा प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस की वजह से जो हार हुई है उस पर महागठबंधन में मंथन हो रहा है, अंदर मीटिंग चल रही है बड़े पैमाने पर, अंदर जो नेता हैं मौजूद हैं, RJD के सभी नव निर्वाचित विधायक अंदर मौजूद हैं, तमाम नेताओं के साथ फिलहाल नेता विरोधी दल कौन होगा, महागठबंधन का नेता कौन होगा ये चुना जाएगा, और जो बड़ा बयान निकल के आया है माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य की ओर से उस पर क्या प्रतिक्रिया निकल के आती है, आप लाइव से देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।